कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल देन में से कौन सा कथन स्टेटमेंट ठीक हमें लग रहा है, उसको हमें उस चिन्ह को भरना है, किस तरह से हम भरेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है, -8 प्लस -4 बॉक्स -8 -4। ये लिखा हुआ है -8 में -4 को ऐड करिए, यानी कि हम बाईं ओर पहले -8 संख्या रेखा में गए, फिर से -4 गए, तो इस तरह से हमने -8 में -4 ऐड किया तो ये आया -12। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ये हमारा बायां पक्ष था। इसी प्रकार हम दाएं पक्ष को भी निकालेंगे। दाएं पक्ष में पहला -8 दिया है, दूसरा है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 4। और जब जो है दो अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस और एक नेगेटिव साइन, तो हमेशा उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में घटाते हैं, और घटाने में चिन्ह वहाँ आता है जो संख्या बड़ी है। तो 8 और 4 में हमें स्पष्ट दिख रहा है कि संख्या बड़ी 8 है, तो 8 का साइन नेगेटिव है, तो -4 हमारा बचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं -12 और -4, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -12 है जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू -4 है। तो अगर हम बाएं पक्ष में जाएं तो हमें पहले मिलेगा -4 और बाद में मिलेगा -12। तो नेचुरल है कि -4 बड़ा है, -12 छोटा है, क्योंकि बाईं ओर आप जितनी दूर जाएंगे वह उतनी अधिक छोटी राशि होगी, यानी कि बायां पक्ष छोटा दिया है और दायां पक्ष बड़ा है, तो हम यहाँ पर छोटे का निशान लगा लेंगे। -12 छोटा है -4 से, -4 ये है और -12 की वैल्यू यहाँ तक जा रही है। तो इस संख्या रेखा से, नंबर लाइन से बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो है -8 प्लस -4 मीन्स -12 छोटा है -8 माइनस -4 से। इसी क्रम में हम दूसरे एग्जाम्पल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। -3 प्लस 7 माइनस 19, 15 माइनस 8 प्लस -9। तो इसके बाएं पक्ष को लेते हैं, बायां पक्ष -3 प्लस 7 माइनस 19, दो सेम साइन है माइनस माइनस के, उनको हम पहले लिख लेते हैं -3 माइनस 19 और +7 को पीछे कर लेते हैं। इजिकल टू -3 में -19 ऐड करेंगे तो -22 प्लस 7, -22 प्लस 7 दोनों अपोजिट साइन है, तो 22 का साइन नेगेटिव है जो बड़ा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। 22 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह वैल्यू आएगी 15, तो -15। इसी क्रम में हम दायां पक्ष भी निकालेंगे। दायां पक्ष क्या है, 15 माइनस 8 प्लस -9 इजिकल टू 15 माइनस 8, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, -9 इजिकल टू 15 माइनस 9 8 17 इजिकल टू -2। तो हम देख रहे हैं कि एक की वैल्यू -2 है, दूसरे की वैल्यू -15 है। तो संख्या रेखा पर अगर हम -2 को दिखाएंगे बाएं पक्ष में, तो -2 नियरेस्ट आएगा बाएं पक्ष में, बहुत नज़दीक आएगा, यानी कि कम है। और -15 को दिखाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, -15। तो बाईं पक्ष में जितनी अधिक दूरी बढ़ रही है ऋणात्मक, तो वैल्यू उतनी छोटी है। वैसे भी माइनस साइन का मतलब है ऋणात्मक संख्या का मतलब है कि हम कोई चीज़ बोरो ले रहे हैं, और अधिक से अधिक चीज़ अगर हम बोरो ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो वह संख्या, वो वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि -15
छोटा है माइनस टू से, तो हम यहां पर भी छोटे का साइन लगा देंगे। इसी क्रम में अब हम एक प्रॉब्लम्स को और समझने की कोशिश करते हैं। 23 - 41 + 11 बॉक्स 23 - 41 - 11 बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 23 - 41 + 11 तो प्लस वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 23 + 1 सेम साइन पहले लिख दिए, -41 23 में 11 जोड़ा 34 -41 तो 34 और -41 में -41 माइनस साइन बड़ा है तो माइनस बचेगा, 41 में से 34 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7। इसी क्रम में दाएं पक्ष को भी हम निकालते हैं, दाया पक्ष है 23 - 41 - 11 -52 - -29 तो नेचुरल है -7 > -29 -7 बड़ा है -29 से, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा ग्रेटर का, -7 अधिक है बजाय कि -29 से। इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमारे निष्कर्ष निकलते हैं कि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी है, उसका मान उतना ही कम है, उसका मान उतना ही कम है